अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज मेरी फ़्लाइट थी कजाकिस्तान अकताऊ से आज़रबाईजान बाकू के लिए, जो कि एक मुख्तसर सी फ़्लाइट है, और मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे ट्रैवल किया अकताऊ से बाकू के लिए। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं, ये डिपार्चर है और आए एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। फ़्लाइट में थोड़ी सी देर थी, भूख लगी, मैंने फिर एक डोनर लिया। डोनर मुझे मिला 1500 टिंगे का अकताऊ एयरपोर्ट से। मैंने कहा थोड़े से आज़रबाईजानी मनात ले लेते हैं, क्योंकि उधर उतरते ही यूज़ करने में कोई चीज़ लेनी पड़ जाती है, कुछ ये वो। इधर से मैं आपको फ़्लाइट के बारे में बताता हूँ। जो फ़्लाइट ऑपरेट करती है वो बूटा एयरवेज़ है और आज़रबाईजान एयरलाइंस है। तो मैंने आज़रबाईजान एयरलाइंस की टिकट बुक की थी, और जो ऑपरेट कर रहे थे बूटा एयरवेज़, जो कि इनकी कॉपरेशन में है। तो ये लाइन लगी हुई है, काफ़ी बोर्डिंग करवा रहे हैं सब। एक सामने रशिया की है और एक बाकू की थी, मेरी बाकू की थी, मेरी बोर्डिंग हो चुकी है, अब बैठे हैं वेटिंग में। 2:55 में फ़्लाइट है, बोर्डिंग हो गई है बाकू के लिए। इमिग्रेशन हो गई है, अब हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया में, तो उधर आपका वेट करते हैं कैसा रहा फिर आपका। ये है ड्यूटी फ्री शॉप, इधर से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये आपने ड्यूटी फ्री एरिया देखा, साथ ही इधर रेस्ट के लिए थोड़ा सा एरिया बना हुआ है। आए बैठे हम भी रेस्ट करते हैं। इमिग्रेशन हो गई है मेरी, इन्होंने सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जैसे पाकिस्तान में पूछने लग जाते हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करते हैं। तो इधर कुछ भी ऐसा सीन नहीं होता, इन कंट्री में पहले भी ट्रैवल किया तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। ये पीछे लगी हुई है कैस्पी, कैस्पियन सी पे जो चलती है फेरी, कैस्पी नहीं फेरी। तो पहले तो प्लान था फेरी पे जाने का, लेकिन फेरी मिलती बहुत कम है। अभी मैं एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, और इसी के साथ जहाज़ के अंदर एंटर हो गए हैं और जहाज़ टेक ऑफ कर गया है। आपने भी इंजॉय किया होगा काफ़ी, और आप ये भी देख सकते हैं कितना प्यारा है। आज़रबाईजान से फुली लैंड कर चुके हैं, बस अब इमिग्रेशन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकू पहुंच गए हैं। इधर भी इमिग्रेशन पे इन्होंने कुछ नहीं पूछा, तो पासपोर्ट लिया है और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का पूछा है। वो आपको मैंने पहले बता दिया था कि वो पूछेंगे कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, बस। तो ओके, स्टम्प हो गया, बस जा रहे हैं वापस।